प्यारे बच्चों, आज आपको हम फिजिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बोले हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑलरेडी एक तो वीडियो मैंने कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसने बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम जानते हैं, व्हाइल ए बॉडी फुल्ली और पार्टली इमर्स्ड इन लिक्विड और गैस इट लॉसेस सम वेट, that weight loss is equivalent to the volume of the substances. ये चीज़ जरा याद रखिएगा. And when that density, substance density is compared with water density, then you will get the specific gravity, and specific gravity has no unit. ये सब चीज़ आपको याद रखना है. चलिए क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन बोला 200 सीसी ऑफ ए स्पेसिमेन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज मिक्स्ड विद 1000 सीसी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डाइल्यूट एसिड सपोजिंग दैट देयर इज 2% कॉन्ट्रैक्शंस इन वॉल्यूम. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 1.84. प्यारे बच्चों, आप जरूर याद रखिएगा, सपोज टू बॉटल्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इट इज वाटर H2O, इट इज H2O एंड दिस इज H2SO4, दिस इज H2SO4. याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वाटर कभी भी इसमें ड्रॉप नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, याद रखिएगा. एसिड हमेशा, एसिड जो है वो वाटर में आएगा, एक चीज को जरा ख्याल रखिएगा. वाटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एसिड डालते रहेगा, एक चीज को जरा ख्याल रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना होगा. आप सोचिए, यहाँ जो जो चीज दिया हुआ है उसके लिए मैथ करने के लिए आपको हम पहले बोले हैं गिवेन रखिएगा, कंडीशन रखिएगा, देन आस्किंग, आपका मैथ बहुत जल्दी हो जाएगा. देखिए यहाँ गिवेन में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 1.84, इट इज गिवेन हियर. एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज 200 सीसी, इट इज गिवेन हियर. देयरफॉर द मास ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज इक्वल टू 200 × 1.84 equal to 368 gram. Why? Density is equal to mass by volume in CGS system, gram per cc. So there is no changes. Jo aapka specific gravity hoga wahi density hoga. Ye cheez yaad rakhiyega. Now the total weight of the mixture, total weight of the mixture equal to kitna ho jayega, 1000 gram plus 368 gram, mane 1368 gram. तो आपको 200 × 1.84 स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीपल कीजिएगा तो 368 ग्राम मिला है. नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, इट इज गिवेन हियर. आफ्टर मिक्सिंग वाटर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, ये देखिए वाटर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, इक्वल टू 1000 प्लस 200 इक्वल टू 1200 सीसी. नाउ इट इज वन कंडीशन, देयर इज 2% कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शन कमती हो जाएगा, एक्सपेंड मतलब बढ़ जाएगा, कंट्रैक्शंस इन वॉल्यूम. तो 2% कंट्रैक्शंस मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2% कंट्रैक्शन इक्वल टू 2/100, 2% × 1200 इक्वल 24 सीसी. नाउ यू सी वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू 1200 माइनस 24 इक्वल टू 1176 सीसी. सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर. Now you see density of dilute H2SO4 is equal to 1368 gram by 1176 gram. तो आपको हम बोले density is equal to mass by volume. यही चीज है, ये volume है, ये mass है, तो 1.16 gram per cc. Now density of dilute H2SO4, sorry specific gravity of dilute H2SO4 is equal to, आपका क्या होगा, H2SO4 का आपका जो निकला हुआ है उसका डेंसिटी देना होगा और नीचे वाटर डेंसिटी. सो कितना हो गया, 1.16 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी कैंसिल, तो 1.163 इज आंसर. प्यारे बच्चों,
जरा जो जो चीज मैं जैसा जैसा लिखे हैं ऐसा करके लिखिएगा, गिवेन कंडीशन आस्किंग, आपका मैथ पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि कोई डाउट होगा या आपको अच्छा लगे आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।